स्टूडेंट आज हम पढ़ेंगे चांद पर चंद्रयान। तो जिस तरह से देखा जाए कि चंद्रमा पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है, वहाँ न जल है और न ही वायु, न पानी है न हवा है, अतः वहाँ जीवन संभव नहीं है। तो जब पानी हवा नहीं है इसलिए वहाँ पर जीवन नहीं है, वहाँ कोई मनुष्य अपना आशिया नहीं बना सकता है। वहाँ पर बड़े बड़े गड्ढे हैं। एक चंद्रयान चंद्रमा पर वहाँ के परिवेश की, परिवेश मतलब वहाँ का वातावरण, वहाँ के चारों ओर की जानकारी लेने पहुँचता है, तो देखें कि चंद्रमा ने चंद्रयान का स्वागत कैसे किया। अब आइए इस कहानी में पढ़ते हैं, यह कहानी है तो यहाँ पढ़ते हैं कि चंद्रमा ने चंद्रयान का स्वागत कैसे किया। चंद्रमा बड़ी बेसब्री से भारत से आने वाले चंद्रयान की प्रतीक्षा कर रहा था। अंततः चंद्रमा की प्रतीक्षा, प्रतीक्षा मतलब होता है इंतजार, तो प्रतीक्षा या इंतजार किया गया और चंद्रमा को एक छोटा सा चंद्रयान एक सैटेलाइट के रूप में होता है, उसे अपनी ओर आता दिखाई दिया। चंद्रमा प्रसन्न था कि कोई तो उसकी धरती पर आ रहा है। चंद्रयान धरती मतलब चंद्रमा की ज़मीन पर कोई तो आ रहा है, वो अकेला बेचारा रहता था। चंद्रयान ने चंद्रमा पर उतरते हुए कहा, हेलो चंद्रमा मैं कैसे हो। चंद्रयान ने चंद्रमा पर जब उतरने लगा चंद्रयान तो उसने हेलो करके उसकी खबर खैरियत ली। चंद्रमा ने चंद्रयान को थपथपाते हुए कहा कि मैं अच्छा हूँ पर अंतरिक्ष में अकेले बैठे ऊब जाता हूँ। चंद्रयान बोला, मैं भारत से आया हूँ, हमारे वैज्ञानिक ने दिन रात कड़े परिश्रम से मेरा निर्माण किया है। मतलब चंद्रयान ने बताया कि मैं कृत्रिम हूँ, मेरा निर्माण मनुष्य द्वारा किया गया है और तुम्हारे घर के तुम्हारे पास आ सकूँ। चंद्रयान की बात सुनकर चंद्रमा मुस्कुराते हुए बोला, मैं जानता हूँ कि तुम मेरे विषय में सूचनाएं एकत्र करने आए हो। फिर उसने कहा कि मैं जानता हूँ कि तुम मेरे बारे में सूचनाएं इकट्ठे करने आए हो कि मैं क्या हूँ, कैसा हूँ, मेरे पर जीवन है या नहीं, ये सब देखने आए हो। फिर चंद्रमा ने खुद ही बताना शुरू किया कि देखो भाई, मेरी और पृथ्वी की उत्पत्ति साथ साथ हुई है। उत्पत्ति मतलब होता है जन्म, उत्पत्ति अर्थात जन्म, तो मेरी और पृथ्वी की उत्पत्ति साथ साथ हुई थी, ऐसा अनुमान है। लोग ऐसा अनुमान लगाते हैं कि हम दोनों साथ ही में आए, लेकिन यह अनुमान लगाया गया कि 460 करोड़ वर्ष पूर्व मैं, और ये भी कहा जाता है कि पहले पृथ्वी हुई और 460 करोड़ वर्ष पूर्व पृथ्वी के टूटने से मैं अलग हो गया और एक जगह जाकर के गुरुत्वाकर्षण के कारण मैं चक्कर लगाने लगा। तो गुरुत्वाकर्षण के कारण कि ज़मीन में जो चुंबकीय आकर्षण होता है, चुंबकीय शक्ति होती है उसके कारण मैं लटकने लगा यहाँ गुरुत्वाकर्षण के लगभग ना होने के कारण। और लेकिन चंद्रमा पर क्या है, ऊपर में क्या है, गुरुत्वाकर्षण नहीं है और न वायु है न जल है, इसलिए पृथ्वीवासी यहाँ आने से कतराते हैं। लेकिन मैं यहाँ टंग गया के चक्कर लगाते और मगर पृथ्वी वाले आने से यहाँ कतराते हैं, और अगर यहाँ भी जल और वायु होता तो यहाँ भी पृथ्वी की तरह चहल पहल होती। चांद को लगता था कि पृथ्वी पर कितनी चहल पहल है, कितना अच्छा लगता है। इतना कहकर चंद्रमा फिर उदास हो गया। तो चंद्रमा को उदास देखकर चंद्रयान चुप हो गया। वह उसे अकेला छोड़कर वहाँ की धरती का निरीक्षण करने लगा, निरीक्षण मतलब जांच करने लगा। उसने चंद्रयान को पृथ्वी से दिखाई देने वाली काली सतह मटमैली, उसे चंद्रयान को पृथ्वी से मतलब वो पृथ्वी से जो सतह को देख रहा था वो काली मटमैली दिखाई दी। यहाँ बड़ी बड़ी खाइयाँ और गड्ढे थे। मतलब जब हम चांद को देखते हैं तो हमें लगता है चांद पे कुछ धब्बे हैं, तो मटमैले से, लेकिन वो धब्बे क्या होते हैं, वो गड्ढे हैं चांद पर। इन्हें पहले समुद्र समझा जाता था। नीचे से देखने वाले लोग सोचते थे चांद पर समुद्र है, लेकिन अलग अलग सब अपना अनुमान लगाते थे। चंद्रमा पर सबसे ऊंचा पहाड़ लेवनिस है। चंद्रमा के ऊपर ये जो चंद्रमा पर आपको आकृतियाँ दिखती हैं, तो इसमें जो सबसे ऊंची आकृति है ये चंद्रमा का पहाड़ है लेवनिस। लेवनिस भी दिखाई दिया। कमांडर ने बताया कि पृथ्वी के माउंट एवरेस्ट से भी लेवनिस, या जो पृथ्वी का माउंट एवरेस्ट है उससे भी ऊंचा है। दूसरी ओर चंद्रयान के अंदर बैठे अंतरिक्ष यात्री का मन उचट रहा था।
जैसे बोरियत उसे महसूस हुई। उसका मन आंतरिक पोशाक उतार कर चंद्रमा पर दौड़ लगाने की हो रही थी। वो सोच रहा था कि ये पोशाक उतारने और चंद्रमा पर दौड़ लगाएं। वह चंद्रमा से ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर पृथ्वीवासियों को अपनी आवाज़ सुनाना चाहता था, लेकिन एक उत्सुकता भी थी अंतरिक्ष यात्री को। वो चाह रहा था कि जो अंतरिक्ष यात्री था वो चाह रहा था कि मैं चंद्रमा पे खड़े होकर ज़मीन के लोगों को, धरती के लोगों को अपनी आवाज़ सुनाऊँ। या वो ये भी देखना चाहता था कि वहाँ पर, वहाँ से धरती के लोग कैसे दिखाई पड़ते हैं। लेकिन वायुमंडल ना होने के कारण वह मन महसूस कर रह गया कि उसकी आवाज़ नीचे नहीं जा सकती थी। चंद्रयान को कोई परेशानी नहीं हो रही थी। वह बड़े मज़े से चंद्रमा से बातें कर रहा था। चंद्रयान ने पूछा, मामा? चंद्रयान ने कहा कि मामा, जैसे चंदा मामा लोग कहते हैं, तो इस तरह उसने पूछा कि मामा, तुम तो दिन में बहुत गर्म हो जाते हो और फिर ठंडा प्रकाश हम तक कैसे पहुंचा पाते हो? तो चांद ने कहा, तुमने सही कहा, मैं दिन के समय 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो जाता हूँ और रात में 180 डिग्री तक ठंडा हो जाता हूँ। रात के समय जो प्रकाश पृथ्वी तक पहुँचता है वह वास्तव में सूर्य का प्रकाश होता है। तो कह रहे हैं कि लेकिन मैं 180 डिग्री तक ठंडा रात में हो जाता हूँ, लेकिन रात में जो प्रकाश तुम तक पहुँचता है वह सूर्य का प्रकाश होता है जो मुझसे टकरा कर, इसलिए कि जब सूर्य मेरे सामने आ जाता है और मुझसे टकराता है तो उससे जो किरण निकलती है तो मुझसे टकराने की वजह से वो शेड जैसी बन जाती है और वो ठंडी और हल्की सी दिखाई देती है और इस तरह से वो पृथ्वी तक पहुंचती है। चंद्रमा ने मुस्कुराते हुए आगे कहा, पृथ्वीवासी अभी भी मेरे बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानते। मेरे पास अज्ञात वस्तुएं हैं जो पृथ्वी पर नहीं पाई जाती हैं। मतलब चंद्रमा ने कहा, मेरे पास ऐसी अज्ञात वस्तुएं हैं जिसका किसी को ज्ञान नहीं है, जो पृथ्वी पर नहीं। ऐसी एक अज्ञात धातु का नाम वैज्ञानिक ने आर्मन कोलाइट रखा है। यह नाम अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग के नाम पर रखा गया, स्ट्रांग और एल्ड्रिन कोलिंस के नाम के पहले अक्षर से बनाया गया है। यह अंतरिक्ष यात्री सर्वप्रथम यहाँ पहुँचे थे। उन्होंने सर्वप्रथम यहाँ का सर्वप्रथम मतलब सबसे पहले, तो सबसे पहले वो यहाँ पहुँचे, सबसे पहले उन्होंने कदम रखा और कहा कि यह मानव का सबसे छोटा कदम है और मानव जाति की सबसे बड़ी उपलब्धि, कि मानव जाति का चंद्रमा पर सबसे छोटा कदम है लेकिन मानव जाति की सबसे बड़ी उपलब्धि है, सबसे बड़ी प्राप्ति है। चंद्रयान का कमांडर 6 घंटे तक चंद्रमा पर खोजबीन करता रहा। उसके पास एक रोबो कार थी जो उसकी मदद कर रही थी। उसने चंद्रमा की धरती के नमूने उठाकर यान में रखे और पृथ्वी की ओर चल पड़ा। जाते समय चंद्रयान से कहा, अलविदा मामा, आप अकेले विचलित ना हों, विचलित तथा परेशान, तो विचलित ना हूँ, मैं जल्दी ही आपसे मिलने फिर आऊँगा। यह सुनकर चंद्रमा ने चंद्रयान को प्रसन्नतापूर्वक मतलब खुशी से विदा किया और उसे तब तक देखता रहा जब तक वो आँखों से उझल नहीं हो गया। तो ये रही चंद्रयान और चंद्रमा की कहानी।